सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। और गाइज ये देखो, BMW की टू सीटर में भाई ट्रिपलिंग हो रखी है देखो। अरे क्या हाल है भाई, बढ़िया ये खुश है ना भैया, आपके ऊपर बैठ के ना बहुत मजा आ रहा है, ऐसे कह रहा है, कह रहा है गुदगुदा सा लग रहा है गद्दी टाइप भाई, वो हड्डी वो फुल हड्डी और तू भाई मोटा। बेटा स्लीप वेल का गद्दा हूँ मैं, तू मोटा, तेरे में भाई गूदा भरा पड़ा है तो उसको कंफर्टेबल फील हो रहा है तेरे ऊपर। इसकी हड्डियां चुभ रही है पिछवाड़े की भाई, कंकाल है, बैठा भी नहीं हो, सीट पे बैठो, पेल्विस बोन है वो, पेल्विस बोन। आजा तू, आजा गाइस, इसकी पेल्विस बोन इसको चुभ रही है। ओ भाई ये देखो, प्यार हो तो ऐसा हो, प्यार लग रहा है उस पे लेटे हम, प्यार हो तो ऐसा हो बिस्तर पे भाई, प्यार हो तो ऐसा हो वरना प्यार ही ना हो। अबे भाई, तो गाइस अभी ना मैं बल्लू और हमारे खच्चर भाई, हम तीनों, ओए खच्चर बोल, तो क्या बोले विनय बोल, तो भाई मैं विनय और बल्लू और खच्चर भाई, खच्चर भाई कहते, बदबू आ रही है यार दूर। अच्छा, मुझे लगा सॉरी मिक्की है, नहीं भाई ये तो नहाता है, मिक्की सूगला है ये ना लेता है फिर भी। तो गाइस हम तीनों ना अभी इधर जा रहे हैं और आज हम BMW का फनी रिव्यू व्लॉग बनाएंगे जिसमें मैं इससे विनय से पूछूंगा कि BMW के क्या क्या फीचर्स हैं, सब पूछे भाई सब पता है, तो देखते हैं ये कितना क्या बता पाएगा और कितना नहीं बता पाएगा। वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है कि ये कुछ बता पाएगा, पर लेट्स सी, देखते हैं कितना इसको BMW Z4 के बारे में पता है और कितना नहीं पता, आज सब पता लग जाएगा। क्या कर रहे हो भाई, और मजे ले रहा है यार ये, ना तुम मेरे को ब्लॉग बनाने दे रहे, ना तुम मेरे को बोलने दे रहे, तुम कर क्या रहे हो ओए चुपो भाई, क्या कर रहे हो बता तो दो, तू अपना काम कर, हम अपना काम कर रहे हैं। ऐसा क्या काम कर रहे हो भाई तुम। और भाई मौसम ना देखो, धूप थी थोड़ी देर पहले, अभी एकदम से बरसात का मौसम हो गया। और सामने देखो गाइस, मंदिर देख रहे हो हमारा सोसाइटी का, चलो जी गेट खोल दो जल्दी से, गार्ड जी खुल गया जी, ओ माय गॉड खुल गया आगे। लेकिन तुम कर क्या रहे हो यार, मेरे को समझ नहीं आ रही बात, देख रहा किडनैप करके बच्चे ले जा रहे हैं। बच्चा है तू, बच्चा तो नहीं है तू बेटा, बच्चा कर दे तू, बालिग हो गया तू अब। तो गाइस हमने ना देखो भाई कन्वर्ट कर लिया गाड़ी और छत खोल दिया क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही, थोड़ी देर पहले तो बूंदाबांदी थी, तो अभी हम जल्दी से रिव्यू बनाते हैं। आजा भाई बाहर, मजा ही अलग है और ऐसे मौसम में क्या स्वाद आ रहा है ना अपने, इससे बारिश रुक गई। हाँ काश टार्जन भी खुलता, हमारी गाड़ी की बात ही ऐसी है, छत खोलते बारिश हमारी और ज्यादा नहीं हो रहा तेरा बल्लू, तेरे खाते से कटती है क्या EMI, कैश लिया लौंडे ने, वैसे छोड़ चलो। ओए चलो रे बाहर आओ जल्दी, अबे उतरो यार, उतर मैं फंस गया हूं, सच में आप उतरो भाई, उतर फंस गया ये सच में, ओ भाई अबे जल्दी उतरो यार, मेरे पैर तेरे नीचे फंसे हुए, तेरी हड्डी चुभ रही है यार, मत कर, बटन है वो पैंट के, अच्छा पैंट के बटन है, अबे जल्दी आओ भाई। अबे कर क्या रहे हो तुम, उतर भाई मैं भी फंस गया हूँ, मैं रुक जा, ओ बल्लू गाड़ी को कुछ हुआ ना बेटा, गाड़ी को कुछ नहीं होगा, बिक जाएगा सब कुछ तेरा, बल्लू बिक जाएगा, अबे तो टायर भी नहीं आएंगे फिर तो, भाई सॉरी 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 लग जाएगी। ओए तुम कुछ भी कर लो, मेरी गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए, वो बीच में चढ़ रहा है, गियर ना तोड़ दे, ओए इतने मारूंगा, चप्पल पैर ले, ओ खजूर, ओ खजूर घर पे फिर यही लेके चढ़ेगा सोफे पे। चल भाई विनय स्टार्ट करे, पूछना पूछ भाई, पूछना स्टार्ट करे विनय से की गाड़ी के फीचर क्या मिलेगा है, गाड़ी की वे कर रहा है क्या, गाड़ी की वे, हाँ अभी कर रहा हूँ तेरे को, कर रहा हूँ की वो पूछ, बताओ क्या पूछना चाहता तू, स्टार्ट करता हूँ गाड़ी के फीचर्स पूछूंगा सारे, ठीक है। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं, BMW का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, विनय से पूछते हैं, फोन रखता है, ओए रख दिया, अब तू मुझे ये बता, चल तू, मैं अपनी ड्राइविंग सीट पे जाता हूं, चल एक मेरी बात सुन, तू जो पूछेगा मैं वो बताऊंगा, एक क्वेश्चन बस मेरा बता दे, पहला बता पूछ, ठीक है पूछ, BMW की फुल फुल फॉर्म क्या होती है, मेरे को पता थी, मैंने मेरे से और मैंने जान तो ले तेरे साथ खड़ा कौन है, घर से निकलते ही पढ़ ली और पहली गूगल करके आया हूं मैंने भी पढ़ ली, गूगल करके आया भाई, बेशक तू बता, बोलने करने आया ना मेरे साथ, बता मैं रिव्यू कर रहा हूं फुल फॉर्म, हम यहां पे वो फुल फॉर्म वाला नहीं खेल रहे, इसे पता ही नहीं है गाइस, पता है, चलो लास्ट का बता दूं, मैं बता दूं लास्ट का, बता बता डब्ल्यू बता दे, वर्क्स पूरी पता है, मैंने भी एक बार गूगल पे सर्च करी थी, वो थोड़ा डिफिकल्ट सा नेम था, याद नहीं होगा, डिफिकल्ट है, ठीक है तू बैठ वहाँ पे, रिव्यू स्टार्ट करते है गाड़ी का, वही फीचर दिखाता रही हो यहाँ जा, आ गया आ गया, वही कैमरा मैन उतरा। तो भाई ये भाई अपनी गाड़ी का इंटीरियर है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये रिव्यू गाइस होने वाला है बहुत ही 1,00,000 रुपए का। अब तू ये बताइए किस चीज का बटन है,
ये उसका है और गाड़ी रोड पे ना फिसले। क्या बोलते इसे? इसे बोलते क्या? रोड अटेंशन, ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल देख यार, ये बना है ना यहाँ पे, तो मैं तो ये समझा वो फिसले ना रोड पे। भाई ये तो कोई बात नहीं, तो मैंने बता तो दिया फिसले ना, मतलब तो वही है, ट्रैक्शन कंट्रोल है। तो मेरे बताने का मतलब सही था? गलत। ये किस चीज का? ये पी लिखा हुआ है जो, ये पार्किंग नहीं, पार्किंग असिस्ट, पार्किंग असिस्ट। अच्छा, और ये किस चीज का? ये ऑटोमेटिक ऑफ ऑन ऑफ। इतना तो मुझे पता है भाई। और ये किस चीज का? ये एनएवी। NAV. NAV से क्या होता है? नेवी है? NAV से नाव आती है, नाव। NAV नाव। ये नाव बन जाती है गाड़ी, बन जाती है। अबे पानी में होगा ये नेविगेशन नहीं है तो तू ये क्या करता? नेवी नेवी भाई। हाँ, इसे नेवी आ जाती है, इसको NAV दबाएगा ना तो नेवी आ जाएगी। नाव की बोल रहा है तू भाई? तू नेवी बोल रहा है, मैं नाव नहीं बोल सकता। ये बारिश में चलता है, नेविगेशन है। ठीक है, ठीक है। और ये इसका COM, कॉम। कॉम क्या? क्या कॉम? व्हाट इज कॉम? डॉट कॉम। किस चीज की डॉट कॉम? कॉमर्स। कॉम? हाँ भाई, मैं वो हूँ ना, CA हूँ मैं। कंप्यूटर? नहीं पता। कमर्शियल? हाँ कमर्शियल, हाँ गाड़ी कमर्शियल है ना मेरी। नहीं पता भाई, नहीं पता। ये COM है, कमांड का। कमांड? हाँ, मतलब गाड़ी कमांड लेगी हमारे, इसको दबा के क्या? हाँ चल ठीक है। सॉरी, दिस COM इज गाइस कम्युनिकेशन। इसे CM को दबाएगा ना, देख आ जाएगा कि कार प्ले चलाना है, ब्लूटूथ चलाना है या FM चलाना है, कम्युनिकेशन डिवाइस। तो तूने कमांड क्यों बोला? तेरे को फुद्दू बनाने के लिए। यार। अच्छा भाई, देख इसको गाइस, कुछ नहीं पता BMW के बारे में, बस ये बकवास करता रहता है। बेशक पता हो ना पता हो, चलानी तो आती है। चलाने से क्या होता है? पता तो होना चाहिए कि चला क्या रहा है तू भाई। चल, ये तो वही बात होगी ना, रोड पे गाड़ी लेके निकल गया, रोड का ही नहीं पता। नहीं नहीं, ये तो वो बात होगी ना, ऊंट के मुंह में जीरा, बंदर के हाथ में बंदूक देनी। ये तो वो वाली बात होगी। और कुछ भी पूछू या इतना ही काफी है? पूछ, तेरे को जो नहीं पूछता हूँ ना, रुक जा तू, ये बता चल पता। इसमें कितने मोड्स हैं? ये कौन सा है? ये स्पोर्ट। हाँ, और ये हम भगा सकते हैं स्पोर्ट पे। अच्छा, ये स्पोर्ट पे भगाने से मतलब रेस लगानी हो? अच्छा, जब हमें रेस लगानी होगी तो हम स्पोर्ट पे लगाएंगे इसको। अच्छा, और ये कम्फर्ट है? ये कम्फर्ट पे क्या होता है, मतलब अगर मैं कंफर्टेबल बैठ के चलानी हो? अच्छा, तू स्पोर्ट्स पे कंफर्टेबल नहीं बैठेगा? नहीं, तो ऐसा कंफर्ट में क्या है कि कंफर्ट अलग है और स्पोर्ट्स अलग है? कंफर्ट पे ना हमें कंफर्ट मिलता है। कैसा? गद्दा टाइप, मतलब पीठ पे अच्छा लगता है, ये गद्दा बन जाता है। अच्छा, और स्पोर्ट्स में अलग हो जाता है? स्पोर्ट्स पे मतलब ये स्पोर्ट्स कार बन जाती है। और ये इको प्रो? इको प्रो, हाँ इको तो वो आती है सुजुकी की। अब मैं बताता हूँ क्या है ये। स्पोर्ट्स पे होता है एग्जॉस्ट, और वो चेंज हो जाती है, आवाज चेंज हो जाती है, तेज भागने लग जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कंफर्ट पे होता है कि चलाने में कंफर्टेबल लगेगी तुझे। ठीक है, ठीक है। इको प्रो पे पेट्रोल बचता है? हाँ, इको प्रो पे आपकी इकोनॉमी अच्छी आएगी, एवरेज अच्छी आएगी। इको लिखा हुआ, हाँ ठीक है। तो ये फर्क है तीनों में, हालांकि दो मोड और अडेप्टिव और ऑटो। अडेप्टिव अलग है, ऑटो में अडेप्टर लगाते हैं क्या? नहीं, अडेप्टिव है, गाड़ी अपने आप अडेप्ट कर लेगी पैसे, मतलब ड्राइवर के हिसाब से है। हाँ, और मतलब हम मालती पालती मार के बैठ जाए, खुद चलेगी? खुद नहीं चलेगी, तेरे हिसाब से खुद को मतलब वो कर लेगी, कंफर्ट बना देगी तेरे बॉडी के हिसाब से। बड़ी महंगी गाड़ी लेके घूम रहा तू तो भाई, ऐसा ही है बस, क्या कर सकते हैं। और ये देख, स्पोर्ट्स पे बताया ना मैंने कि तेज भागती है। हाँ। और कंफर्ट पे क्या होता है कि चलाने में कंफर्ट मिलता है। ठीक है, ठीक है। और इकोनॉमी में क्या होता है कि एवरेज अच्छी आएगी, लेकिन कंफर्टेबल सबसे ज्यादा चलेगी कंफर्ट पे। तुझे सब किसने बताया भाई? एक्सपीरियंस है, अबे चलाता हूँ मैं। अच्छा। तो ये जो नीचे ये है ना, ये चीजें हम रेस ब्रेक करते हैं। हाँ। ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कंफर्ट मोड पे आती है। और तेरी गाड़ी में क्लच नहीं है? मेरी गाड़ी में क्लच नहीं है भाई, ऑटोमेटिक है यार। अच्छा, हाँ भाई, ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हैं हम, समझा? वो चलानी मुझे भी आती है। वो पैर रखने का है, वो एक पैर में रिलैक्स रहता है, और बस यहाँ पे रेस और ब्रेक, सॉरी रेस और ब्रेक, रेस और ब्रेक है यहाँ पे। ठीक है, मेरे को पता है मुझे चलानी आती है, मैं इसको बहुत बार ले जा चुका हूँ, आई नो। अब बताओ और क्या पूछना चाहते हो मेरे से? भाई मैं इससे इतनी सारी चीजें पूछ चुका, इसने कुछ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है पीछे से ये? कुछ भी नहीं कर रहा। इसने कुछ भी ठीक से नहीं बताया, तो मेरा इससे मन नहीं कर रहा कि मैं और क्या पूछूं यार। ये क्या बदतमीजी है, तू मुझे बताएगा, मेरी नॉलेज तो बढ़ेगी भाई। मेरे को लगा था, मैं तो मेरी इतनी अपनी जनता के सामने बेइज्जती कर रहा है, मुझे लगा था जो मैंने समाज में अपनी इतनी इज्जत बनाई है आज तक, तो सब पानी पानी का कौन सा समाज? समाज भाई बहुत बड़ा समाज है। अरे यार भाई, मेरे को लगा था कि अच्छा एक BMW का रिव्यू बनेगा, और सूरज निकल गया, मेरी आंखें भाई बंद होने लगी है। मत करो विनय भैया। ठीक है, तो
पर मुझे लगता नहीं कि रिव्यू बन पाएगा कुछ अच्छा सा। तेरे को ही देख रहा हूँ भाई, देख ठीक है ना। ठीक है तो भाई मैं खुद से थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद मैं अकेला एक रिव्यू बनाऊंगा जिसमें बेबी भाई कर क्या रहा है, कुछ नहीं कर रहा, एडिट करेगा ना जब देखियो। तो मैं खुद से अकेला एक रिव्यू वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं BMW के सारे फीचर्स खुद से बताऊंगा, ये साथ खड़ा कर लूंगा इसको, ताकि इसको वैसे पता लग जाए, क्योंकि इससे पूछने लग गया ना भाई रात हो जाएगी ना ये बता पाएगा। घोषित कर रहा है मैं बैल हूं भाई, है तू बैल नहीं हूं मैं, है तू जिसको गाड़ियों के बारे में कुछ नहीं पता और फिर भी वो गाड़ी चलाना जानता हो, इसका मतलब वो बैल है जैसे तू है भाई। गाड़ी चलाने से गाड़ी चलाना आ गए तो क्या हो गया भाई, कुछ गाड़ी का पता भी है, आता पता है गाड़ी के बारे में कुछ, बैल है गाइस ये, बैल एक नंबर का। ठीक है तो मैं अकेले रिव्यू बनाऊंगा एक अच्छा सा, मुझे बैल बनने के गाइस पैसे दिए गए हैं। हाँ कितने? 1,00,000। सही बात है, 1,00,000 तो इस ब्लॉग से इनकम भी नहीं होगी। हाँ समझा, झूठ बोलते हैं आजकल यूट्यूबर्स। झूठ बोल रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ले आते गाड़ियाँ। हाँ तो भाई मेरा मेन चैनल भी है गाइस। इस पूरी गाड़ी का रिव्यू मैं बनाऊंगा बाद में अकेले, क्योंकि भाई इसके भरोसे बैठ गए ना तो रात हो जाएगी, फिर भी रिव्यू नहीं बन पाएगा और ना आप कुछ समझ पाओगे गाड़ी के बारे में। सोचा तो कुछ और था, मेरी बेइज्जती कर रहा है। क्यों कर रहा हूँ? एक तो मैं दिल से आया हूँ बता रहा हूँ ये फंक्शन क्या होते हैं, ऊपर से तो मेरी बेइज्जती कर रहा है यार। अब तू चुप रह, बुरा लगता है यार, बुरा लगता है। इतनी समाज में इज्जत बना के बैठा हूँ बंदा, कौन सा समाज, 10-15 मिनट के ब्लॉग में सारा इज्जत का पानी कर दिया। तो देख रहे हो गाइस मौसम हो रहा है एक नंबर का जबरदस्त, मेरे ऊपर बादल ही बादल हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है मैं बादल में उड़ रहा हूँ। देखो श्यू सुपरमैन, देखो भाई मैं उड़ रहा हूँ बादलों में, देखो श्यू ओ भाई सुपरमैन सुपरमैन बन गया मैं। ये कौन से नशे है भाई? भाई ऐसा लग रहा है देख बादल में मैं सुपरमैन बन गया, देख उड़ू उड़ू देख भाई सच में ऐसा ही लग रहा है। तो चलो गाइस अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, जिस मोटिव से आए थे कि अच्छा एक रिव्यू बनेगा वो इस खच्चर से बन नहीं पाया, ठीक है तो वो हम बाद में बनाएंगे, अभी के लिए इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तो भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, बाय बाय लव यू टेक केयर, सारे खुश रहो और बोलो पता है क्या बोलो, ये बोलो ये जय श्री राम, बाय गाइज़।